प्यार करता हूँ तुमसे अपनी जिंदगी से ज्यादा, प्यार करता हूँ तुमसे अपनी जिंदगी से ज्यादा, मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं सब्सक्राइबर से ज्यादा। पूरे दिन में जो हम एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि हम रोज कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। हमारे माइंड में ये बैठ गया है और हम इसी वजह से डिस्करेज हो जाते हैं कि हम जब भी कोई वीडियो को अपलोड करेंगे तो हमारे पास वो ऑडियंस ही नहीं है हमारी वीडियो देखने के लिए। तो इसके लिए हमें हमारी वॉइस को ढूंढना होगा, हमारी वॉइस को पहचानना होगा। अगर आप मेरे ही चैनल को देखते हो तो मैंने अपना चैनल इसलिए शुरू किया था, मैं अपनी चैनल पर हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा ये सोचकर मैंने चैनल शुरू किया था। और फिर मैंने अनोइंगली कई सारे एक्सपेरिमेंट्स अपलोड किए जिससे हम वीडियो को रैंक करा सकते हैं, और इवेंचुअली मुझे वैसी ऑडियंस मिली जिन्होंने मुझे और पुश किया मेरी वॉइस को ढूंढने के लिए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को कन्वर्ट करना है और आगे और क्रिएट करते जाना है, और इसी चीज पर मुझे अपना चैनल बेस्ड आउट रखना है। तो इसी तरीके से जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वॉइस क्या है, आप क्या पाना चाहते हो, आपको क्या करना है। कई सारे रास्ते में व्यूअर्स आएंगे, हेल्पर्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि हाँ आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। तो उन्हीं चीजों से आपको अपनी वॉइस का एहसास होगा और आप अपनी पहचान ढूंढ पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम हमारी वॉइस को ढूंढे कैसे। तो आपको बस पहचानना है अपनी वॉइस। एक ऐसी चीज होगी आपके अंदर जिस पर आपको गुरूर होगा, ऐसी कोई चीज होगी जिसके बारे में आप अपने व्यूअर्स को और अपने फ्रेंड्स को बताना चाहोगे, तो वो ही है आपकी वॉइस। तो उसी चीज को आपको पहचानना है। मे बी इट इज द इनजस्टिस हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको बस उन चीजों को पहचानना है और उसके लिए स्टैंड लेना है। अगर आप मेरे ही चैनल पर देखो तो मैं एक्सपेरिमेंट्स को लेकर स्टैंड लेता हूँ। मैं ये अपने व्यूअर्स को कह सकता हूँ कि हाँ, सिर्फ मेरे ही चैनल पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम अपनी वीडियोस को रैंक करा सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज आपको ढूंढनी होगी आपके चैनल पर जिसको लेकर आप शाउट कर सको, आप बोल सको अपने व्यूअर्स को कि ये चीज सिर्फ आप ही के चैनल पर मिलती है, और इसी तरीके से आप अपनी पहचान बना पाओगे और अपनी वॉइस को ढूंढ पाओगे। इतना बोलने के बाद भी कई सारे व्यूअर्स और कई सारे यूट्यूबर्स आखिर में वही करते हैं कि आज ये वीडियो वायरल हो रही है तो इस टॉपिक पर बना लेते हैं, कल वो वीडियो वायरल हो रही है तो उस टॉपिक पर बना लेते हैं। इस तरीके से वो अपनी पहचान ही कभी ढूंढ नहीं पाते, किसी ना किसी को कॉपी ही करने में रह जाते हैं। आपको ये नहीं बनाना है कि लोगों को क्या पसंद है, इंस्टेड आप उन चीजों पर फोकस करिए जो आपको पसंद है, जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट है। अगर उन चीजों पर फोकस करोगे तभी जाकर आप अपनी वॉइस को ढूंढ पाओगे। वो YouTube एल्गोरिदम नहीं है जो आपको रोक रहा है, आपके चैनल की ग्रोथ को रोक रहा है, वो आपकी वॉइस है। आपको अपनी वॉइस को पहचाननी है और तभी जाकर आप अपने चैनल पर ग्रो कर पाओगे। सबसे डिफिकल्ट थिंग जो है YouTube पर वो है कि हम अपने YouTube चैनल को एक ब्रांड की तरफ कैसे लेकर जाए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, अपनी ओरिजिनल आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हो, अपना खुद का कंटेंट बना रहे हो, और इसी चीज पर फोकस रखिए और अपने गोल को डिसाइड करिए, अपने गोल की तरफ बढ़िए, तभी जाकर आप एक ब्रांड की तरफ बढ़ पाओगे। अपने YouTube चैनल को एक ब्रांड की राह पर कैसे लेकर जाना है उसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप एक ब्रांड की तरफ बढ़ सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। वीडियो को लाइक करने से वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना? मैं ऐसे कई सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।